बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन उन खुशमिजाज एक्ट्रेस में से एक हैं जो सभी से हमेशा प्यार से पेश आती हैं और सभी के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। पर जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये किसी की भी नहीं सुनती और अपना आपा खो बैठती हैं। इसलिए तो बॉलीवुड के चार सितारे इनके गुस्से का शिकार हो चुके हैं कि आज वो रवीना का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। तो आखिरकार कौन कौन से हैं वो सितारे जो रवीना के गुस्से का शिकार हो चुके हैं? आइए मिलते हैं उन्हीं बॉलीवुड के सितारों से जो रवीना टंडन के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। नंबर एक पर है सैफ अली खान, चाहा तो बहुत पर ना चाहे तुझे। जी हाँ दोस्तों, ये गाना सुनने के बाद आपको साल 1994 में आई फिल्म इम्तिहान की याद आ गई होगी, जिसमें रवीना टंडन के साथ सैफ अली खान काम करते हुए नजर आए थे। और इस गाने में जैसे ही सैफ अली ने रवीना के बदन को छुआ, वैसे ही रवीना आग बबूला हो गई और गुस्से में उन्होंने सैफ को काफी भला बुरा सुना दिया था, जिसके बाद सैफ अली खान ने कभी भी रवीना के साथ काम नहीं किया। नंबर दो पर है आमिर खान, साल 1993 में आई हिंदी फिल्म पहला नशा में आमिर खान ने रवीना से छेड़छाड़ की थी, जिसके चलते रवीना को काफी बुरा लगा था। इसलिए उन्होंने आमिर खान को सबक सिखाने के लिए भरी भीड़ में ना सिर्फ उनकी इंसल्ट की, बल्कि इतना नीचा भी दिखाया कि आमिर खान की मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी इमेज। नंबर तीन पर है अजय देवगन, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये गाना याद होगा तो आपके जहन में साल 1994 में आई हिंदी फिल्म दिलवाले की याद आ गई होगी, जिसमें रवीना टंडन के साथ अजय देवगन की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। लेकिन फिल्म के सेट पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते रवीना ने सभी के सामने गुस्से में अजय से बदतमीजी से बात की और उनका मजाक भी उड़ाया था। नंबर चार पर है काजोल, जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस काजोल भी रवीना टंडन के गुस्से का शिकार हो चुकी है, क्योंकि जहां काजोल अजय देवगन की पत्नी है तो वहीं रवीना भी एक टाइम पहले अजय की एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन काजोल ने गलतफहमी के चलते अपने पति और रवीना के रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया था, तो बस इसी बात से नाराज होकर रवीना ने काजोल को बहुत अच्छा सबक सिखाया था, जो काजोल को आज भी याद रहता है। वेल दोस्तों, आपको एक्ट्रेस रवीना टंडन आज भी दिखने में कैसी लगती हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।